एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है इस पोर्टल का क्या नाम है तो इसका नाम है ई अर्जन पोर्टल ठीक है इस पोर्टल का नाम क्या है आपके पास ई अर्जन पोर्टल ऐसे देखिए ई नाम जो है ई नाम पोर्टल पर आपके पास पूरे भारत के किसान अपने कृषि उत्पादों को क्या कर सकते हैं पंजीकृत कर सकते हैं और विभिन्न मंडियों में मिलने वाले दामों को देख सकते हैं और वहां पर क्या कर सकते हैं बेच सकते हैं ई नाम पोर्टल जो है पूरे भारत के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कैसा पोर्टल है जिसपे लेकिन यहाँ सवाल में क्वेश्चन नंबर आपका जो एटी है इसमें पूछा गया झारखंड के संदर्भ में तो झारखंड में आपका ई अर्जन है ई अर्जन पोर्टल की सहायता से झारखंड के किसान क्या कर सकते हैं कि विभिन्न मंडियों में अपने कृषि अनाजों को बेच सकते हैं या उनकी कीमतों का पता लगा सकते हैं बजट से ही देते हैं नहीं मिल रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है कि हाल ही में भारत 854.7 अरब डॉलर मतलब कि ये क्या है भारत का है इंग्लैंड को पीछे करते हुए विश्व की क्या बन गई है पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई हां आंसर में तीसरी दिया है हां हाँ, तो ठीक है जो जो क्वेश्चन पे डाउट भेजी गई है पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है इसकी लिस्ट भी हम भेज देंगे क्वेश्चन ग्रुप आप लोगों का इसलिए ही बना है कि जो जो क्वेश्चन के ऑप्शन डाउट लगते हैं वहां पे आपको वहां पर रिप्लाई किया जाएगा ठीक है कहा तक तरलता समुचे हम लोग देख चुके थे क्या अच्छा कब कब किसको जारी किया जाता है ये सारा कुछ था ना सारा लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन यानी कि उसी का टॉपिक है उसी का पार्ट है ये मनी सप्लाई जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी का ही एक पार्ट है ये है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसी स्थिति है जिसको हम लोग कहते हैं महंगाई या मंदी की जो स्थिति है इस स्थिति में हम दो चीजें देख रहे हैं पहला तो एक चीज हमें देखने को मिलता है कि जो बाजार में जो मुद्रा का मूल्य है ठीक है इस बाजार में मुद्रा का मूल्य क्या हो रहा होता है आपका गिर रहा होता है या फिर क्या हो रहा होता है कि जो वस्तु की जो कीमतें हैं ये वस्तु की कीमतें क्या हो रही होती हैं आपके पास बढ़ रही होती है एक ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्था में आपको देखने को मिलती है जहां पर या तो मुद्रा का मूल्य गिर रहा होता है या फिर आपका क्या होता है वस्तु की कीमतें बढ़ रही होती हैं और इसी स्थिति को आप क्या नाम देते हैं जैसे आपने सुना होगा हाल फिलहाल में कि पाकिस्तान में आपके पास टमाटर कितना हो गया है आपके पास एक सौ रुपया किलो या फिर कुछ देशों के बारे में आपने ऐसा पढ़ा होगा कि एक कप चाय पीने के लिए लोग एक बोरा नोट भर के लेकर के जा रहे हैं ऐसा भी आपने देखा होगा बहुत बार पेपर में आपने होगा कि एक कप चाय की कीमत मतलब कि की पीने के लिए एक बोरा चाय लेकर करेंसी लेकर के जा रहे हैं दस हजार के रुपए के नोट छापने पड़ रहे हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर बड़े रुपए के नोट छापे जा रहे हैं इसका एकमात्र स्थिति या इंडिकेशन यही है कि वहां का मुद्रा का मूल्य क्या हो रहा है बहुत ही ज्यादा गिरा है किसी भी देश में अगर बड़ी करेंसी छापी जा रही है या जैसे भारत के संदर्भ में देखिए आज से पहले दो हजार रुपए के नोट नहीं थे प्रचलन में तो अगर दो हजार रुपए का नोट का छापा जाना इस चीज का परिचय देता है कि इंडियन करेंसी की वैल्यूज क्या हो रही थी गिर रही थी तो अर्थव्यवस्था में अगर मान लीजिए एक कप चाय को पहले बीस रुपए में आप खरीद रहे थे और उसी कप चाय के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है कि आप चालीस रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है पहले की तुलना में आपके पास क्या करना पड़ा है ज्यादा करना पड़ा है तो इसका मतलब ये प्रदर्शित कर रहा है कि मुद्रा का मूल्य क्या हो चुका है आपका गिर चुका है यानी कि इस वस्तु की जो कीमत है उस वास्तविक कीमत को अगर मुद्रा के रूप में मापे तो पहले की तुलना में आपको ज्यादा मुद्रा का भुगतान करना पड़ रहा है दूसरे शब्दों में आप इसको कहते हैं कि अगर इस वस्तु के लिए आपको चालीस रुपए का भुगतान करना पड़ा है यानी कि वस्तु की कीमत पहले की तुलना में क्या हो चुकी है बढ़ चुकी है तो यही सम्मिलित परिस्थितियां क्या कहलाती है उस वस्तु की महंगाई के लिए कहा जाता है एक शब्द होता है सामान्य कीमत स्तर है ना सामान्य कीमत स्तर को क्या कहते हैं जैसे मान लीजिए कि, कि किसी बाजार में गोभी है मान लीजिए साठ रुपये प्रति केजी और क्या बेचेंगे आलू मान लीजिए कि आपके पास कितना है बीस रुपये प्रति केजी ठीक है और मान लीजिए कि आपके पास यहां पर आप ले लेते हैं टमाटर वो कितना है आपके पास चालीस रुपया प्रति के जी यही रेट चल रहा है ना बाजार में भी हाँ साठ रुपया हो गया है चलिए ठीक है तो अगर इसको हम लोग जोड़ दें तो कितना हो गया आपके पास एक सौ बीस रुपया क्या हो जाएगा आपके पास प्रति के जी तो ये बाजार में जब हम खरीदने गए इन तीन वस्तुओं को तो इन तीन वस्तुओं को खरीद रहे थे इन इन दरों पर तो हमारे पास कितना हो गया अब इसको क्या करें आपको तीन से भाग दे दें तो ये कितना हो गया आपके पास फोर्टी रुपीज प्रति के जी इसी को कहा जाता है आपका सामान्य कीमत अस्तर. अब क्या समझा ही रहे तीन वस्तु है ना एक दो और कितनी वस्तु है तीन वस्तु है तो तीन वस्तुओं तो वस्तु को जब किए देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब हम महंगाई दर को जब बात कर रहे होते हैं तो किसी एक वस्तु के लिए नहीं बल्कि हम बात कर रहे होते हैं बास्केट के लिए है ना जैसे बास्केट हमारा फूड बास्केट फूड बास्केट में क्या है कि अनाज है और क्या है दालें शामिल है अगर महंगाई बढ़ेगी तो हमारे बास्केट से क्या निकलना शुरू हो जाएगा सीधा सा बात है कि सबसे पहले सब्जी बंद होगा और महंगाई बढ़ेगी तो उसके बाद हमारे बास्केट से क्या निकलना शुरू हो जाएगा दाल बंद होगा अनाज का विकल्प क्या होता है हमारे पास बात का आता है तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि कल हमारा जो रोजमर्रा का जीवन का उपभोग है एक बास्केट की तरह एक थैला है और इस थैले में बहुत सारी उपभोग की वस्तुएं क्या है शामिल है जैसे आप गाड़ी से चल रहे हैं तो इसमें क्या शामिल है ईंधन आप खाना पका रहे हैं तो इसमें क्या शामिल है ईंधन रोजमर्रा के जीवन की सभी आवश्यकताओं को सुख सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिए क्या शामिल है आपके पास विद्युत तो इस बास्केट में बहुत सारी वस्तुएं क्या है शामिल है तो कहता क्या है ये क्या हो गया कि हम जब बास्केट लेकर के बाजार में सब्जी खरीदने को गए और इन इस मूल्य पे हमने सब्जियों को खरीदा तो इन तीन सब्जियों को खरीदे और जब मूल्य से भाग दिए तो क्या हुआ कि चालीस रुपए प्रति के जी यह उस दिन के लिए मेरा क्या था आपका सामान्य कीमत स्तर था लेकिन किसी दिन आपके अनुसार ये क्या हो गया आपके पास साठ रुपए प्रति के जी हो गया तो अब जो नया मूल्य हमारे पास आ रहा है कितना हो जाएगा इसको सम ले ले तो कितना हो जाएगा आपके पास वन रुपीज और इसको क्या करें हम लोग तीन से भाग दे तो कितना हो जाएगा आपके पास थ्री और पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा सिक्स सिक्स यानी कि अप्रोक्स आप इसको मान के चले कि सैतालीस रुपया ठीक है सैतालीस रुपया क्या हो गया आपके पास प्रति के तो सामान्य कीमत स्तर से अब कीमतें क्या हो गई है आपके पास बास्केट की बढ़ चुकी है तो इसका मतलब है कि अब क्या कहेंगे कि रोज जाते थे दो सौ में झोला भर जाता था अब पांच सौ में भी झोला नहीं भरता है ऐसा कहते हैं ना शब्द आप सुनते होंगे लोगों को ना ऐसा तो नहीं कहते ना कि गोभी महंगा हो गया है तो पांच सौ रुपया का सब्जी खरीदे हैं किसी को सुने ऐसा कहता है कि पहले दो सौ रुपया में झोला भर जाता था अब पांच सौ रुपये में झोला नहीं भर रहा है ऐसे शब्द आप सुनते हैं यानी कि आपका बास्केट पहले की तुलना में अब क्या हो चुका है महंगा हो गया है। नहीं कि सामान्य कीमत तस्तर की अपेक्षा अब आपको क्या लग रहा है क्या दिखाई दे रहा है महंगाई हमेशा की अपेक्षा सात रुपए आपको क्या करने पड़े है? आज की खरीदारी में अधिक भुगतान करना पड़ा है ये कॉन्सेप्ट समझे तो सामान्य कीमत स्तर का प्रयोग अभी हम लोग आने वाले समय में करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये इन्फ्लेशन या मुद्रा स्पीति क्या होती है लिखे आप इसको मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन लिखिएगा जब इसको इसको जगह छोड़ दीजिएगा आप बाद में अपना कैलकुलेशन आप बैठा लीजिएगा सामान्य की स्तर कीमत स्तर के लिए इस इस कॉन्सेप्ट के लिए आप समझ गए ना तीन चार लाइनें छोड़ दीजिए इसको बाद में नोट कर लीजिएगा उसके बाद नीचे डेफिनेशन को लिखिए जब कीमतों के सामान्य स्तर में जब कीमतों के सामान्य में क्या हुआ क्यों ठंड से रब करिए अच्छे तरीके से जब कीमतों के सामान्य स्तर में रिकॉर्डिंग ऑन करके रख लीजिए या फिर आईडी हो गई जब कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि होती है बहुत दिक्कत है बुक इस लैंग्वेज जब पढ़ेंगे तो वहां लिख दिया क्या सामान्य कीमतों में निरंतर वृद्धि होती है लेकिन बुक में इस चीज को समझाने का प्रयास हुआ कि यह सामान्य कीमत स्तर क्या है ठीक है लिखिएगा जब कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि होती है तो उसे मुद्रा स्फीति कहते हैं सस्टेन इंक्रीज सस्टेन इंक्रीज इन जेंडरल प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन इस वर्ड को लिख लीजिएगा आप भी Sustained increase in general price is called inflation. लिखेगा क्राउथर के अनुसार नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेगा क्राउथर नाम है क्राउथर के अनुसार और सी आर ओ डब्ल्यू टी एच ई आर ठीक है क्राउथर क्राउथर के अनुसार और जब भी किसी के अनुसार की बातों को लिखें तो उसे क्या करना है कॉट करना होता है इसके बीच में के अनुसार मुद्रा इस्थिती, मुद्रा स्फीति या मनी इन्फ्लेशन वह स्थिति है वह स्थिति है मुद्रा स्फीति वह स्थिति है जिसमें जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर रहा हो वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर रहा हो अथवा 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 मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा हो अभिलाषा जी न्यू चैप्टर के तौर पे अगर देखें तो इन्फ्लेशन ही एक आपका न्यू टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि पीजीटी ही छोड़ दें अगर जनरल कॉम्पिटिशन में भी अगर आए तो इन्फ्लेशन क्या है होता है इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पे सवाल आपके पास पूछे जाते हैं तो आप अगर न्यू हैं तो आप इसको मान सकते हैं कि यही आपका न्यू चैप्टर है इन्फ्लेशन ठीक है मुद्रास्फीति वह स्फीति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर रहा हो अथवा मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है मुद्रा का मूल्य गिर रहा है अथवा मुद्रा का बोल बढ़ रहा है अब लिखिएगा हॉटरे हॉटरे एच ए डब्ल्यू टी आरई वाई हॉटरे -E के अनुसार के अनुसार मुद्रा स्फीति का अभिप्राय मुद्रा स्फीति का अभिप्राय मुद्रा के मुद्रा स्फीति का अभिप्राय कौम मुद्रा के अधिक मात्रा में जारी किया जाना है मुद्रा के अधिक मात्रा में जारी किया जाना है सिंपल सब बात है कि अगर मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो रहा होता है बढ़ रहा होता है बहुत अगर अर्थव्यवस्था में पैसा है तो निश्चित है कि इसका एक प्रभाव आपको क्या देखने को मिलेगा कि वस्तु की कीमतें क्या हो जाती है बढ़ जाती है क्योंकि अगर इस पेन की कीमत क्या है पच्चीस रुपए है और इस क्लास में बैठे सभी लोगों के पास जेब में पैसा है तो सभी लोग इस पेन को खरीदने के लिए हर एक कीमत देने को क्या हो जाएंगे तैयार हो जाए क्योंकि आप सभी क्या है सक्षम है लेकिन अगर आपके पास जेब में पैसा कम रहेगा तो आप इस पेन के लिए क्या करेंगे बार्गेनिंग करेंगे कि इस कीमत को इतने नहीं तो इतना मूल्य इसका सही होना चाहिए और इसका इतना भुगतान किया जाना चाहिए तो इसलिए कहता है कि अगर बाजार में मनी सप्लाई अगर बढ़ रहा है तो कीमतों में क्या देखने को मिलता है आपका बढ़ाव देखने को मिलता है या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए मनी सप्लाई अगर बढ़ रही है तो इसका कंट्रोल करने का तरीका क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया जाता है आपका कम किया जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो इसका प्रभाव क्या आप देखने को मिलेगा कि मार्केट में जो प्राइसेज हैं वो सभी चीजें क्या होने लगेंगी बढ़ने लगेंगी और अगर उनकी कीमतें बढ़ रही हैं इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं इनकी डिमांड बाजार में क्या हो जाएगी आपके पास बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से उनकी कीमतें क्या देखने को मिलेंगी बढ़ती वस्तुओं की अगर मांग बढ़ रही है तो उसके विपरीत एक प्रभाव आपको क्या देखने को मिलेगा कि उनकी कीमतों को भी बढ़ता हुआ देखा जाए क्योंकि मतलब मांग का नियम लागू नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर लेकिन अगर कीमतें बढ़ रही हैं और सभी लोग पैसा दे पाने में क्या है आपके पास समर्थ है तो वैसी स्थिति में उसके लिए क्या कर जाते हैं लोग कि अधिक से अधिक भुगतान करने को तैयार हो जाते हैं तो सिंपल से ये दो चीजें ही केवल आप यहाँ पे लिख लें इस चीज को मेंशन कर लें मनी सप्लाई के बढ़ने से कीमतों का स्तर और मनी सप्लाई से आपका इंटरेस्ट का घटना आगे हम इसको डिस्कस कर देंगे ब्रीफ में इस को हाँ इसको लिख लीजिएगा नेक्स्ट आपका लिखे कॉल्यून के अनुसार कॉल्यून के अनुसार कॉल्यून के अनुसार इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा ये जो डेफिनेशन है बहुत ज्यादा चर्चा में आप सुनते भी होंगे और देखने को मिलता है के अनुसार बहुत सारी मुद्राएं बहुत सारी मुद्राएं कुछ वस्तुओं के पीछे भागती हैं बहुत सारी मुद्राएं कुछ वस्तुओं के पीछे भागती हैं टू मच मनी सीजिंग ऑफ गुड्स Too much money, seizing a few of goods. कुछ वस्तु के पीछे क्या होती है भागी होती है जैसे अर्थव्यवस्था में पैसा देखिए या किसी भी व्यक्ति को देखिए अगर आपके हाथ में पैसा आता है तो उस पैसे का एक बहुत बड़ा भाग आप किस पे खर्च कर रहे होते हैं आप उपभोग पे खर्च कर रहे होते हैं और वो भी उपभोग कैसा आपके खाने और पीने की वस्तुओं के ऊपर कर् भी करता है इसलिए कहता है कि अर्थव्यवस्था की सभी वस्तुएं नहीं बल्कि कुछ वस्तुओं के पीछे ही वस्तुओं की महंगाई का बढ़ता हुआ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा सोना का दाम बढ़ जाए तो उससे आपको कोई प्रभाव पड़ेगा क्या चांदी बढ़ जाए हीरा का दाम बढ़ जाए कार का दाम बढ़ जाए क्योंकि आप तो उसका उपभोग ही नहीं कर रहे हैं लेकिन हर एक समान व्यक्ति किस वस्तु का उपभोग कर रहा होता है खाद्य पदार्थों का अगर खाद्य वस्तु जैसे जीएसटी पांच प्रतिशत जोड़ा गया पैकेट जो भी आपके पास खाद्य पदार्थ है उनको नया स्लैब पांच प्रतिशत का जोड़ा गया जैसे कि आप देखिए मक्खन हो गया, गया देखिएगा कि आटा जो है या बाबा चावल या जो भी चावल आप इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतें पहले की दुगना में तुलना में लगभग बारह से चौदह प्रतिशत बढ़ गया अठाईस रुपए किलो खुला बाजार में आटा बिक करता था अभी कितना रुपया हो गया है पैंतीस रुपया पांच प्रतिशत जीएसटी बढ़ाया और उसकी कीमत कितना बारह से चौदह प्रतिशत चावल अगर मान लीजिए नौ सौ या हजार रुपए किलो आप खरीदा करते थे पैकेट पच्चीस के का चावल तो उसका कीमत कंपनी लोग दिमाग लगाया है कि कस्टमर भड़क जाएगा वो क्या किया पच्चीस के के पैकेट को क्या कर दिया बीस के या तीस के है ना बहुत सारे कंपनीज क्या किए कि उसको कम नहीं किया है बल्कि क्या कर दिया आपका तीस के जी और उसके बाद क्या किया है कीमत पच्चीस ने नया पैकेट आया है कितना का है तीस के जी का तो मार्केट स्ट्रैटी होती है कि पच्चीस के जी के ही चावल को अगर हजार से सीधे बारह सौ करे कस्टमर बहुत भड़क जाएंगे लेकिन उसको तीस के जी करके अगर उसको हम चौदह सौ रुपया साढ़े चौदह सौ रुपया ले रहे हैं तो वो प्रभाव थोड़ा सा उनके समझ में क्या होगा कम आएगा तो ये तरीके होते हैं एक अलग इफेक्ट डालता है महंगा हो गया दिखेगा लेकिन चावल है तो पहले से महंगा हुआ लेकिन पहले से चावल अधिक है ठीक है ये इंडियन का कॉन्सेप्ट होता है तो वो चीजें हैं। तो कॉलेजन के अनुसार क्या कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा है वो क्या होती है कुछ वस्तुओं के पीछे ही क्या होती है भागती हुई दिखाई देती है नीचे लिखे उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर सामान्य अर्थों में सामान्य अर्थों में मुद्रास्फीति वह स्फीति है सामान्य अर्थों में मुद्रास्फीति वह स्थिति है सिचुएशन कंडीशंस वह स्थिति है मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है कीमत स्तर में वृद्धि होती है जबकि मुद्रा का मूल्य जबकि मुद्रा का मूल्य अथवा मुद्रा का मूल्य अथवा क्रय शक्ति मुद्रा का मूल्य अथवा क्रय शक्ति क्रय शक्ति को क्या से हम लोग डिनोट करते हैं आपका पीपी -पी से डिनोट करते हैं से पीपी पीपी का मतलब क्या हो गया आपका गरीबी के मानक के लिए अभी पीपी का वैल्यू कितना है डॉलर में वन पॉइंट नाइन डॉलर ठीक है अभी वर्तमान में गरीबी के मापन के लिए आपके पास विश्व बैंक के तरफ से कितना बताया गया है 1.9 डॉलर आपका परचेजिंग पावर है इससे अगर आपका क्रय शक्ति या खरीदो की क्षमता आपकी कम है तो आप क्या कहलाएंगे गरीब कहलाएंगे इससे पहले कितना था एक डॉलर था तो अथवा क्रय शक्ति कम होता है अथवा क्रय शक्ति कम होता है यानी कि मुद्रा का मूल्य क्या हो रहा है घट रहा है या वस्तु की कीमतें क्या हो रही हैं कीमतें क्या हो रही है बढ़ रही हैं यही आपको किस रूप में दिखाई देता है महंगाई के रूप में दिखाई देता है क्या मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है मतलब कि एक ही वस्तु के लिए आपको दस रुपये नहीं बल्कि पचास रुपये का नोट देना पड़ रहा है उसी वस्तु के लिए तो क्या हो गया दूसरे देश में मान लीजिए कि ये पेन है एक डॉलर इसका भुगतान हो रहा था कितना एक डॉलर और भारत में कितना था आपका साठ रुपया और अभी भी अमेरिकन इसके लिए कितना भुगतान कर रहे हैं वो एक ही डॉलर कर रहे हैं इस पेन के लिए अमेरिकन आज भी कितना भुगतान कर रहे हैं एक डॉलर लेकिन आपको क्या करना पड़ रहा है कि पैंसठ रुपये भुगतान करना पड़ रहा है स्थिति को समझिए एक स्थिति में इस मार्कर के लिए आप इंडियन करेंसी में साठ रुपए और अमेरिकन स्पेन के लिए कितना दे रहे थे एक डॉलर दे रहे थे और आज भी अमेरिकन स्पेन के लिए एक डॉलर दे रहे हैं लेकिन आपको कितना भुगतान करना पड़ रहा है पैंसठ रुपए तो पहले की तुलना में आपका मुद्रा का मूल्य क्या दिख रहा है मुद्रा का मूल्य पहले साठ रुपए बराबर एक डॉलर था अब एक डॉलर कितने के बराबर है पैसठ रुपए तो मुद्रा का मूल्य क्या हो गया यहाँ पर तो अब समझ में आया ना क्या हाँ डॉलर का मूल्य बढ़ गया है लेकिन हमारा हमारी करेंसी का क्या हुआ यहाँ पर अब मूल्यन हो गया है ना चलिए तो यहाँ पर ये चीजें समझ में और वस्तु की कीमतें भी आप समझ रहे हैं कि पहले के पेक्षा ज्यादा पैसा आपको देना पड़ रहा है तो कहते हैं कि ये वस्तु क्या हो गई आपकी महंगी हो गई है लिखेगा स्फीति तीन कारकों पर निर्भर करती है मुद्रा स्फीति तीन कारकों पर निर्भर करती है तीन चर है यहां पर पहला तो आपका क्या हो जाएगा प्राइस कि आप देखेंगे कि वस्तुओं की कीमतें या साधनों की कीमतें आपकी घट रही हैं या फिर क्या हो रही हैं महंगी हो रही हैं दूसरा क्या आप देखेंगे मनी यानी कि क्या हो गया आपका मुद्रा कि मुद्रा का मूल्य पहले की तुलना में घट रहा है या क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है और तीसरा आप क्या देखेंगे आपका पीपी यानी कि परचेजिंग पावर के बारे में देखेंगे तो पीपी -पी हम बार बार लिखे तो सबको समझ में आएगा ना कि पीपी -पी का मतलब है यानी कि क्रय शक्ति के बारे में हम लोग बात करें अब जैसे देखिए तीनों चीजों में समानता कैसी होती है अगर यह पेन पहले के तुलना में अब साठ के बदले क्या हो गया पैंसठ रुपए में भुगतान करना पड़े, तो आपको क्या लगेगा कि इस पेन की कीमत क्या हो चुकी है बढ़ चुकी है सामान्य अर्थों में आप क्या कहेंगे कि साठ के बदले पैंसठ का भुगतान कर रहे हैं इसका मतलब है इस पेन का प्राइस पहले की तुलना में पांच अधिक क्या हो गया है बढ़ गया है अगर मुद्रा के रूप में देखा जाए तो मुद्रा के रूप में हम देखें कि डॉलर की अपेक्षा हमारे मुद्रा का मान क्या हो चुका है गिर चुका है और परचेजिंग पावर के बारे में अगर देखें तो पहले की अपेक्षा आपकी क्रय शक्ति स्पेन के लिए क्या हो चुकी है घट चुकी है ठीक है आपकी क्रय शक्ति पहले की तुलना में अब क्या हो चुकी है घट चुकी है ठीक है हाँ अभी रिलेट करेंगे जो टेबल वो मास्टर वाला टेबल आप टाइम में जो पढ़ा था ना फिर से हम लोग वहां पे करेंगे जैसे मनी के साथ में और इसका संबंध हम लोग अभी लिखेंगे चलिए आगे लिखते हैं हम लोग तो सिंपल एक चीज आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए प्राइस आपका बढ़ रहा है तो मनी वैल्यू पे क्या प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है प्राइस के बढ़ने का मतलब है कि मनी का वैल्यू आपका क्या हो रहा था है वहां पर गिर रहा होता है और मनी का वैल्यू गिर रहा है इसका मतलब कि आपका परचेजिंग पावर भी वहां पर क्या हो रहा है दिख रहा था आपका घटता हुआ दिख रहता है और अगर मान लीजिए कि कीमतें क्या हो रही हैं गिर रही हैं इसका मतलब है कि मनी का वैल्यू क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है और परचेजिंग पावर आपका क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है तो अगर देखें कीमत के साथ में क्रय शक्ति का कैसा संबंध है विपरीत संबंध है कीमत के साथ वस्तु के कैसा है मान लीजिए कि अगर ये पेन पहले सौ का था अब ये पेन कितना हो गया डेढ़ का हो गया तो कीमत के बढ़ने से मेरी क्रय शक्ति पहले की तुलना में क्या हो गई आपके पास कम हो गई इसको ऐसे समझे कि मान लीजिए कि चीनी का जो मूल्य है चीनी का मूल्य बीस रुपये क्या है प्रति केजी है तो सौ रुपए में आप कितनी ची, चीनी खरीद पा रहे थे पहले अगर इसी चीनी का मूल्य क्या हो जाए कि चालीस रुपये हो जाए प्रति केजी तो अब इसी सौ रुपए में आप कितनी चीनी खरीद पा रहे हैं 2.5 पॉइंट फाइव के जी देखिये प्राइसेस कीमत का यहाँ पे प्राइस क्या हो गया आपका बढ़ा तो आपका परचेजिंग पावर पहले की तुलना में क्या हो गया आपका समझ गए इनमें कैसा संबंध है आपके पास विपरीत संबंध है इसके साथ मनी सप्लाई और के साथ में परचेजिंग पावर का कैसा संबंध है कि अगर मनी सप्लाई यानी कि मुद्रा की पूर्ति या मनी वैल्यू आपके पास कम हो रही है तो परचेजिंग पावर भी आपकी क्या हो रही थी है कम हो रही थी यानी कि दोनों में कैसा संबंध है बिल्कुल सापेक्षिक संबंध है कि अगर मुद्रा का मूल्य क्या हो रहा है गिर रहा है तो इसका मतलब है कि परचेजिंग पावर भी आपकी क्या हो रही है कम हो रही है तभी ना एक ब्रेड को खरीदने के लिए पूरे झोले भर के पैसे लेके जाने पड़े बहुत सारे कंट्रीज के बारे में आपने पढ़ा होगा पेपर में इतनी महंगाई हो गई है कि एक कप चाय के लिए क्या करना पड़ा है एक बोरा पैसा लेकर के जाना पड़ा है इसका मतलब कि मनी का वैल्यू गिर रहा है परचेजिंग पावर भी आपको क्या दिखेगा वहां पर कम दिखेगा या मनी का वैल्यू अगर बढ़े तो परचेजिंग पावर भी आपको क्या दिखेगा बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो ये रिलेशन समझ में आ रहा है आप लोगों को चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या कि अर्थव्यवस्था में कई स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी मिटा दे से इसको नोट कर लीजिएगा मिठाई से तो इन्फ्लेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि कीमतें क्या हो रही हैं बढ़ रही हैं मनी वैल्यू यहां पर क्या हो रहा है आपके पास घट रहा है और परचेजिंग पावर भी आपका क्या हो रहा है यहां पर घट रहा है देखिए अभिलाषा जी रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है ठीक है रेवेन्यू इंस्पेक्टर का सिलेबस और आपका जो पीजीटी का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम सिलेबस है आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप आज कॉल करके आप खुद को ऐड करवा लीजिएगा हम दोनों ही सिलेबस आपको वहां पर भेज देंगे ठीक है आप सिलेबस को कंपेयर करके देख लीजिएगा कि जो सिलेबस आपका पीजीटी के लिए लिखा गया है सेम सिलेबस ही आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए दिया गया है दूसरी महत्वपूर्ण बात ये देख लें कि ये जो इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं वो किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर या टेक्निकल एग्जाम जो कि इकोनॉमिक्स पर बेस्ड होगा इंडिया में उन सभी एग्जाम्स के लिए सिलेबस आपका क्या करेगा काम करेगा क्योंकि हम केवल ऐसा नहीं है कि केवल आपको पीजीटी का ही सिलेबस पढ़ा रहे हैं उस पीजीटी के सिलेबस के अलावा भी बहुत सारी चीजें आप सीख रहे हैं इसलिए चिंता नहीं करना है ठीक है जो भी हम पीजीटी अगर कह भी रहे हैं तो इसका मतलब है कि टेक्निकल पेपर भी आपका कंप्लीट होगा रिकॉर्डेड वीडियोस के जो डाउट्स होंगे आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया करिएगा कि सर इस जगह पे मुझे डाउट्स है उसकी स्क्रीनशॉट के साथ में तो नेक्स्ट डे के क्लास में उसे डिस्कस कर लिया जाएगा क्या हुआ चलिए यहाँ पर डायग्राम को आप बना लें आप लोग हाँ कोना से शुरू कीजिएगा फाइव सिक्स सेवन एट और क्या है आपके पास नाइन है तो ये आपका क्या है इन्फ्लेशन रेट है या प्राइसेस जो वस्तुओं की कमोडिटीज की जो होगी उसके लिए हम लोग रखेंगे यहां पर अब देखिए एक स्थिति जब वस्तुओं की मतलब की कीमतें बढ़ रही हैं, मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है और आपका परचेजिंग पावर क्या हो रहा है कम हो रहा है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं आपका मुद्रा स्फीति लेकिन उसी समय अर्थव्यवस्था में अगर वस्तु की कीमतें क्या हो रही हैं कम हो रही हैं मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है पर क्रय शक्ति आपकी बढ़ रही है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं आपका डिफ्लेशन कहते हैं और एक ऐसा स्थिति जहां पे आपका कहते हैं संस्फिति जहां पे मुद्रा स्फीति को कुछ हद तक हम लोगों ने क्या कर लिया आपका कंट्रोल कर लिया है तो यही इन्फ्लेशन क्या कहलाने लगता है आपका रिफ्लेशन के रूप में कहलाने लगता है ऐसे बहुत सारे इन्फ्लेशन के प्रकार में हम लोग देखेंगे और इन्फ्लेशन की जो प्रकृति होती है और नेचर होती है उनके बारे में भी देखेंगे नीचे में लिखिए आप रिफ्लेशन यानी कि संस्फिति रिफ्लेशन यानी कि संस्फिति लिखिएगा रिफ्लेशन या संस्फीति आप टॉपिक का नाम देकर के लिखें इसमें स्फीति को इसमें स्फीति को कुछ हद तक इसमें स्फीति को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है इसलिए इसे इसलिए इसे नियंत्रित स्फीति भी कहते हैं इसलिए इसे नियंत्रित स्फीति कहते हैं अब टॉपिक का नाम दीजिएगा आपका नेचर ऑफ इन्फ्लेशन नेचर ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि स्फीति की प्रकृति कैसी होगी तो उसे क्या कहा जाएगा स्फीति की प्रकृति पहला आपका है क्रिपिंग यानी कि इसको क्या बोला जाता है आपका रेंगती हुई इसको क्या कहा जाएगा आपका रेंगती हुई अगर इन्फ्लेशन रेट क्या रहे आपका तीन प्रतिशत से लेकर के कितना है आपका चार प्रतिशत के बीच अगर है किसके बीच में आपका है तीन प्रतिशत से चार प्रतिशत के बीच में है तो इसको हम लोग कैसा कहेंगे आपका रेंगती हुई मुद्रा स्पीति कहते हैं या फिर क्या कहा जाता है आपका कृपिंग नीचे में लिखिएगा बुलेट में लिखिएगा यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा आर बी आई मॉनिटरी पॉलिसी के अनुसार अनुसार यह दो प्रतिशत से छह प्रतिशत के बीच होनी चाहिए दो प्रतिशत से छह प्रतिशत के बीच होनी चाहिए अब छह प्रतिशत से ऊपर भागा इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब अर्थव्यवस्था में क्या देखने को मिलेगा महंगाई की स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी अब जैसे रेंगना का मतलब क्या होता है कि सबसे पहली बच्चे जब शुरू करते हैं चलना तो कहां से शुरू करते हैं पहले रेंगना सीखते हैं खुसकना सीखते हैं ना अब खिसकने के बाद से क्या करते हैं कि चलना सीखते तो अर्थव्यवस्था अब क्या करेगी कि रेंगने के बाद से अब क्या हुई थोड़ी सी इसको बोला जाएगा आपका वॉकिंग या फिर क्या कहा जाता है आपका है चलती हुई मुद्रास्फीति ये होगा आपका फोर परसेंट से लेकर के कितना है आपके पास नाइन परसेंट छोटा बच्चा को बिस्तर पर सुला दिए तो गुलटनिया पलटनिया मारेगा सीख गया तो पूरा घर दौड़ेगा है ना कि आप परेशान करना शुरू इसका मतलब कि ये भी क्या है कि जैसे ही ये पहुंचा ये किस चीज का हो जाएगा आपका अलार्मिंग सिचुएशन इसको कहा जाता है कैसा सिचुएशन है आपके पास खतरे की घंटी नीचे में लिख दीजिएगा यह एक अलार्मिंग alarming... सिचुएशन का मतलब क्या हो गया आपका खतरे की घंटी होती है इसी चीज को कहीं कहीं आपका कैसा लिखता है या ऐसा लिख करके या फिर इसको लिखता है लेस देन क्या लिखता है आपका टेन परसेंट कहीं कहीं लिखने का इसका जो तरीका होता है वो लिखता है लेस देन टेन परसेंट यानी कि दस प्रतिशत से क्या होता है आपका कम होता है तो वैसी अर्थव्यवस्था में या फिर जहां पे इन्फ्लेशन टेन परसेंट के रेट से आपका पास क्या है कम है तो उसको क्या बोलेंगे वॉकिंग या फिर इसी का एक शब्द हम लोग क्या करते हैं मूविंग क्या बोला जाता है आपका मूविंग मूविंग का मतलब ही भी क्या होता है आपका चलना ही होता है तीसरा अब क्या है कि जब चलना सीख गया तो उसके बाद बच्चा क्या करेगा दौड़ेगा तो इसके बाद हम लोग भी क्या करेंगे इसको भी दौड़ाएंगे रनिंग मतलब क्या है आपका दौड़ती हुई मुद्रा स्फीति ये होगा आपका दस प्रतिशत से लेकर के कितना आपका है बीस प्रतिशत इसको ना रनिंग भी कहते हैं या फिर इसको क्या कहते हैं आपका रनवे इन्फ्लेशन भी कहते हैं रनिंग या फिर क्या कहते हैं आपका रनवे इन्फ्लेशन भी कहते हैं अब जब दौड़ना सीख गया तो उसके बाद क्या कहते हैं एकदम उड़न पर है पैर तो जमीन पर टिकता ही नहीं है है ना मतलब क्या है सरपट भागना शुरू कर देता है बच्चा अभी फुद के अभी दिख रहा है यहीं पे देखिए तो वहां पर छज्जा पे चढ़ ठीक है इसका मतलब है जैसे दौड़ना सीख गया तो बच्चा और जमीन पे भी नहीं दिखता है सीधे दूतल्ला चढ़ा हुआ है अब खोजते रही उसके पीछे दौड़ते रहिए इसका मतलब क्या हो गया कि चौथा नंबर जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन क्या हो गया अब वो अब बच्चा का जरूरत है कि कहीं जाना है तो हाथ पांव बांध के जाइए तो दरवाजे लगा के जाइए नहीं तो क्या हो जाएगा तुरंत घर में दिखेगा ही नहीं हाइपर हो गया इसको बोला जाता है सरपट भागती मुद्रा स्फीति तो सीधा सा बात है कि 20 प्रतिशत से क्या रहेगा आपका अधिक रहेगा 20 प्रतिशत से अधिक लिखेगा इसे इसे सरपट तो है ही साथ ही साथ क्या कहते हैं तीव्र गामी हिंदी वाले में है ना इंग्लिश में हाइपर हाइपर ही है इसे तीव्रगामी मुद्रा स्फीति भी कहते हैं इसे तीव्रगामी स्फीति भी कहते हैं नीचे में नोट करके लिखिएगा इसी के अंतर्गत जब मुद्रा स्फीति जब मुद्रा स्फीति नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चली जाए जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चली जाए नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चली जाए तब ऐसी स्थिति को तब ऐसी स्थिति को हाइपर, ऐसी स्थिति को हाइपर, या, या गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है हाइपर या गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है बहुत सारे बुक्स में हाइपर ना लिख करके वहां पे क्या लिखा हुआ दिखाई देगा आपका गैलोपिंग दिखाई देगा हम्म कहा जाता है तो ये क्या है ये क्या हो गया आपका हाइपर हाइपर के बाद ये क्या होगा हाइपर से नीचे आपके पास क्या है रनिंग ग्रेटर देन क्या आपके पास ट्वेंटी परसेंट रनिंग आपके पास कितना है यहां पर टेन परसेंट से लेकर के कितना आपके पास ट्वेंटी परसेंट के बीच में ये कौन सा है आपके पास है या फिर इसको क्या कहा जाता है आपका मूविंग इन्फ्लेशन ये कितना है आपके पास लेस देन क्या है आपके पास टेन परसेंट मतलब दस प्रतिशत से आपके पास क्या रहेगा कम रहेगा लेस देन टेन परसेंट और उसके बाद फिर आपका क्या हो गया ये इसको क्या कहा जाता है आपका क्रीपिंग क्रीपिंग इन्फ्लेशन कितना प्रतिशत से लेकर के दो से लेकर के आपका कितना है चार प्रतिशत के बीच में सॉरी तीन से चार का ना अब हम लोग देखेंगे मुद्रा स्फीति के प्रकार दे से अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मुद्रा स्फीति के प्रकार की कौन कौन सी मुद्रा स्फीतियां हमें देखने को मिलती हैं लिखवाए तो थे पहला नंबर पहला नंबर में आपको लिखवाए थे ना कि ये अर्थव्यवस्था के लिए क्या होता है आपका अच्छा होता है जैसे ही आपका चलना शुरू हो गया तो मतलब अर्थव्यवस्था के लिए क्या हो गया खतरे की घंटी हो गई उसके बाद से खतरे के सिचुएशन में आ गया और उसके बाद एक ऐसी स्थिति होती है कि वहां पे आरबीआई भी कुछ काम नहीं कर सकता है तब उसके बाद क्या करना पड़ेगा वहां पे आरबीआई का सब फेल हो गया तब वहां पे फिर वही वाला सिद्धांत आएगा गड्ढा खोदो मजदूर को फिर से गड्ढा भरने के लिए क्या करो पैसा दो पड़े है ना ये चीज वही स्थिति होगी जब मंदी की स्थिति आ जाएगी तो अब वहां पे राजकोषीय नीति क्या होती है प्रभावी होती है कि सरकार क्या करेगी लोगों को रोजगार देना शुरू करेगी उनसे उपभोग और कार्य करवाएगी और उसके बदले सरकार क्या करेगी उनको भुगतान करेगी तब जाके अर्थव्यवस्था में क्या होगा आपका पैसा देखना शुरू होगा कौन बोल रहा था इस बारे में गड्ढा खोदो फिर गड्ढा भरवाने का भी पैसा दो उसको है ना पहले मजदूर से क्या करिए गड्ढा खोदवाइए और फिर उस गड्ढे को भरने के लिए भी क्या कीजिए मजदूर को पैसा दीजिए तो अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक मंदी से उभर जाएगा सोच के बताइएगा कल हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रा स्फीति के प्रकार के बारे में तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे डिमांड फुल इन्फ्लेशन जिसको हम लोग क्या कहेंगे आपका मांग जनित मुद्रा स्फीति थोड़ा सा जो बजट का सेक्शन आप लोग देख रहे हैं ना बढ़ा हुआ इसके पीछे कारण है बस ये वाला सिलेबस ठीक है तो आप पहले के बजट में क्या कर रहे हैं कि इस सेक्शन को भी क्या कर रहे हैं कंप्लीट कर रहे हैं रेजीना जी बजट का जो लेबल है उसके पीछे कारण क्या है ये सिलेबस ठीक है अगर पीजीटी का सिलेबस रहता पहले के टॉपिक्स बिल्कुल सफिशियंट है लेकिन उसके साथ में सिलेबस भी टारगेट करना है इसलिए थोड़ा सा लेवल तो बढ़ाना ही पड़ेगा कि भाई रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनेंगे तो उसका स्टैटिकल तो थोड़ा सा हाई होगा ना पीजीटी से डिमांड पुल इन्फ्लेशन की मांग जनित जब अर्थव्यवस्था में जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग बढ़ने के कारण वस्तुओं की मांग बढ़ने के कारण वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है वस्तुओं की मांग बढ़ने के कारण वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति को तो ऐसी स्थिति को मांग जनित मुद्रा स्फीति कहते हैं तो ऐसी स्थिति को मांग जनित मुद्रा स्फीति कहते हैं तो देखिए हम क्या कह रहे हैं कि वस्तु की मांग बढ़ी तो वस्तुओं की कीमतें भी क्या देखने को मिल रही हैं? तो इसका संबंध किस चीज से होगा महंगाई से नहीं पूर्ति पर निर्भर करेगा किस चीज पर निर्भर करेगा पूर्ति पर कि डिमांड अधिक है और सप्लाई क्या है वहां पर आपका कम है मांग अधिक है और पूर्ति क्या हो रही है कम हो रही है तो ऐसी स्थितियों में ही परिणामता आपको कीमतें क्या देखने को मिलती है बढ़ी हुई जैसे मान लीजिए कि को कोई फेस्टिवल आ गया और फल बेचने वाला दो ही चार दुकानदार आया है और उस दिन बाजार में फल की मांग क्या है अधिक है तो निश्चित सा है कि केला अगर साठ रुपए दर्जन है तो कितने में बिकने लग जाएगा अस्सी रुपया समझ रहे बात को ना तो वहां पे क्या है कि पूर्ति की अपेक्षा वस्तु की मांग अधिक होती है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कीमतों में वृद्धि देखने को मिलती है तो इसको आप क्या कह रहे हैं मांग जनित मुद्रा स्फीति इसे नोट कर ले आप हाँ। इस नोटेशन का मतलब समझ रहे हैं ना पूर्ति की अपेक्षा मांग क्या है अधिक है वैसी स्थितियों में कीमतें बढ़ती हुई दिख रही हैं अब इसका कारण क्या होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का आने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है हुँ? बहुत सामान्य कारण है कि पूर्ति के पीछे मांग बढ़ रही है तो ये साफ तौर पे ये प्रदर्शित कर रहा है होगा एक बड़ा फैक्टर जनसंख्या में अगर वृद्धि हो रही है तो पूर्ति के अपेक्षा साधनों की पूर्ति के अपेक्षा उनकी मांग क्या हो रही है बढ़ रही है तो एक कारण तो आपको क्या देखने को मिलेगा कीमत स्तर तो निश्चित सा बात है ना कि बढ़ेगा तो लिखेगा कारण कारण में आप लिख लें कारण क्या क्या हो सकते हैं पहला कारण क्या होगा आपका जनसंख्या में वृद्धि दूसरा कारण क्या हो सकता है पेट्रोल अभी महंगा क्यों हुआ है पेट्रोल के महंगा होने के पीछे कारण क्या है कि रूस और यूक्रेन का वॉर जिसके कारण पेट्रोल की आपूर्ति क्या हो गई पहले की तुलना में कम हो गई है तो दूसरा फैक्टर तो यही है ना कि या तो पूर्ति कम हो रहा हो या तो उस वस्तु का उत्पादन क्या हो रहा हो पहले की तुलना में कम हो रहा हो तब उसकी कीमतें क्या हो जाएंगी आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी उत्पादन में कमी जैसे ही कोई सामान मार्केट में शॉर्टेज होता है उसका प्राइस क्या होने लगता है बढ़ने लगता है जैसे शुरुआत के समय में देखिए सैनिटाइजर की कीमत, जब आया था तो क्या था? तो क्या बहुत ही महंगा था उस मिलता भी नहीं था और उसके पीछे कारण क्या था कि उसका उत्पादन क्या था आपका कम था तो मांग देनी लोग मांग कर रहे हैं लेकिन वह मार्केट में सैनिटाइजर था ही नहीं और एक चीज ये भी समझ जाइएगा कि ऐसी स्थितियां किस चीज को जन्म देती है आ? ऐसी स्थितियां ये जो स्थितियां हैं ये किस चीज को जन्म देती हैं? ठीक है ठीके? सिनेमा देखने पहुंचे सबको या टिकट है ही नहीं तो टिकट की क्या होती है ब्लैक मार्केटिंग कीमत बढ़ा के बेची जाती है ना तो वो कहां से आता है इसी जगह से आता है या तो उसकी पूर्ति नहीं है या तो उसका उत्पादन क्या हो रहा है आपका कम हो रहा है तो आपको क्या दिखेंगी कीमतें बढ़ती हुई बाजार में मांग है सैनिटाइजर का उसका उत्पादन का स्तर क्या है आपका कम है तो उसकी कीमतें क्या है बहुत ही अधिक और अब तो कोई पूछता भी नहीं अब गिने चुने लोग अगर शायद भूले भटके रखते होंगे तो वो फिर से वही भूला बिसरा दवा के रूप में चला गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट आप लिखे खाली जरूरत कहां पड़ता है जब एग्जाम हॉल में आप जा रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम देने तो अच्छे तरह से आपको हाथ को सैनिटाइज करवाएगा और स्कूलों में लगा हुआ है खाने से पहले हाथ धोने की विधियां है ना तो वहां पे काम आपको आएगा चलिए तीसरा कारण क्या है यहां पर तीसरा एक कारण क्या होता है कि अगर आय में वृद्धि होती है तो यह भी परिणाम किस रूप में दिखता है अर्थव्यवस्था में मांग जनित स्थिति को क्या कर देता है बढ़ा देता है ठीक है अब जैसे आय में वृद्धि कैसे होगी सातवां वेतन मान लागू कर दिया सरकार ने तो सातवां वेतन मान लागू कर दिए जाने के पीछे क्या हुआ कि पहले की तुलना में जैसे अभी सेवेंथ पे कमीशन जब आया तो सेवेंथ पे कमीशन में पहले की तुलना में सरकार को साठ करोड़ रुपए अतिरिक्त वेतन के रूप में क्या करना पड़ा भुगतान करना पड़ा क्या हम बोले हैं कि सेवेंथ पे कमीशन जब लागू हुआ तो सरकार को पहले की तुलना में जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनको 60 करोड़ रुपए अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा अब इसकी परिस्थिति का प्रभाव क्या देखने को मिलेगा सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा ठीक है अगर उतना अधिक भुगतान करना पड़ रहा है पहले की तुलना में अधिक करना पड़ रहा है तो सरकार का राजकोषीय घाटा क्या हो गया आपका बढ़ ना गया तो ये होता है आय में वृद्धि अगर होगी तो बाजार में वस्तुओं की मांग बढ़ती है और मांग बढ़ने से भी उनकी कीमतें क्या होती है बढ़ती है जैसे अभी से गिने चुने बीस पच्चीस दिन और बचे हुए हैं अभी तुरंत सभी को मिलेगा क्या बोनस मिलेगा और जैसे बोनस आएगा तो पहला तो बच्चा का कपड़ा खरीदना है टीवी खरीद लेना है मोबाइल खरीद लेना है लैपटॉप खरीद लेना है ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के प्लान पहले से तैयार हैं कि कुछ बड़ा खर्च क्या करना है बाजार में करना है आय के बढ़ते के साथ में बाजार में उन वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और बाजार में वस्तुओं की पूर्ति क्या है पहले की तुलना में अगर कम है तो उनकी कीमतें क्या हो जाएंगी बढ़ ही जाती है स्वाभाविक रूप से कहते हैं ना त्योहार है सस्ता महंगा बिकेगा ही और मजबूरी है कि आपको क्या करना पड़ता है खरीदना ही पड़ता है कोई विकल्प आपके पास नहीं बच जाता है तो क्या कहते हैं त्योहार आते के साथ चीजें क्या हो जा रही है आपके पास महंगी हो रही है तो एक है आय में वृद्धि इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा नीचे में इंपॉर्टेंट ठीक है इंपॉर्टेंट लिखिए अब नोट करके लिखिए बगल में वेरी इंपॉर्टेंट कर दिए ना अब उसके बगल में नोट करके डैश दे करके लिखिएगा यह स्थिति यह स्थिति घाटे के बजट की स्थिति होती है यह स्थिति घाटे के बजट की स्थिति होती है तो घाटे का बजट का मतलब क्या हुआ यह स्थिति घाटे के बजट की, की स्थिति होती है तो घाटे के बजट की स्थिति का, का मतलब क्या हो गया कि आपका एक्सपेंडिचर आपके इनकम के अपेक्षा यानी कि सरकार की आय के अपेक्षा सरकार के खर्चे क्या हैं ज्यादा हैं सरकार की आय के अपेक्षा सरकार के होने वाली व्यय अधिक हो जाती है कर्मचारी आज भी उतना ही काम कर रहे थे कर्मचारी सातवां वेतन लागू होने के बाद भी क्या कर रहे हैं उतना ही काम कर रहे हैं लेकिन उनके लिए पहले की तुलना में क्या करना पड़ रहा है बताइए सरकारी कर्मचारी को पता चलेगा ये महंगाई सरकारी कर्मचारियों पर वेतन भोगी जो है सरकारी वेतन भोगी है उनके ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि उनको क्या मिल रहा होता है वेतन महंगाई भत्ता मिल रहा होता है इसलिए महंगाई का प्रभाव उनके ऊपर देखने को नहीं मिलता है चलिए नेक्स्ट आपका लिखिएगा आय में सामान्य वितरण बुलेट पॉइंट नीचे में ही करते लिखेगा कारणों में ही लिखते चलेगा आय में सामान्य वितरण नीचे में नोट करके लिखिए आय में असामान्य वृद्धि से आय में असामान्य वृद्धि से बजट का आकार बढ़ता है आय में असामान्य वृद्धि से बजट का आकार बढ़ता है साठ करोड़ अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा था ना तो बजट का आकार पहले की तुलना में क्या करना पड़ा सरकार को बढ़ाना पड़ा है असामान्य वितरण क्यों क्योंकि बाजार में उसी महंगाई पर प्राइवेट सेक्टर में सभी कर्मचारी काम कर रहे होते हैं लेकिन सरकार के द्वारा असामान्य रूप से उनका वास्तविक वेतन तो नहीं बढ़ा है लेकिन महंगाई भत्ता देने के कारण उनका जो दिख रहा है वो आभासी रूप में उनका वेतन क्या देखने को मिलता है आपका बढ़ा हुआ दिखाई देखने को मिलता है इसको क्या कहते हैं असामान्य वृद्धि से बजट का कार क्या हो जाता है आपका बढ़ जाता है नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए अब लिखिएगा प्रभाव अभी तक तो कारण लिख रहे थे अब प्रभाव लिखिए आप प्रभाव में आपको क्या देखने को मिलेगा पहला प्रभाव हमने आपको बताया कि काला बाजारी क्या हो जाती है बढ़ जाती है बाजार में मान लीजिए कि अभी के समय में प्याज की मांग है और प्याज का उत्पादन क्या हुआ है कम हुआ है वैसी स्थिति में जितने बड़े बड़े गोडाउन हैं, वो प्याज के स्टॉक को क्या कर लेते हैं दबा के रख लेते हैं और महंगा उसके बाद उसको क्या करते हैं बढ़ी हुई कीमतों पे बढ़ते देखते हैं अभी के समय में अगर आप पेपर पढ़ रहे होंगे तो बालू के बारे में आप देख रहे होंगे कि बालू की काला बाजारी के कारण लगभग तीन से चार गुना कीमत पर बाजार में क्या है आपका बालू उपलब्ध है बालू अभी मिल भी नहीं रहा है ठीक है इसके पीछे क्या कारण है कि नदियों में बरसात है बालू का उठाव अभी नहीं हो रहा है बरसात के कारण तो उनकी पूर्ति बाजार में क्या है कम है तो बाजार में जब पूर्ति कम है तो ऐसी स्थितियों में जिन लोगों ने बालू के स्टॉक बना रखे थे वो अब उसी बालू को बढ़ी हुई कीमत पे क्या कर रहे हैं आपका बेच रहे हैं यह स्थिति क्या है आपके पास काला बाजारी की स्थिति होती है लिखिएगा काला बाजारी या काला धन में वृद्धि काला बाजारी या काला धन में वृद्धि नेक्स्ट आपका लिखिएगा विदेशी निवेश अधिक होना विदेशी निवेश अधिक होना विदेशी निवेश अधिक क्यों होगा हम्म विदेशी निवेश अधिक क्यों होगा एक उत्पादक का क्या लक्ष्य है बढ़ी हुई कीमतों पर ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को बेच करके क्या करना है आपका लाभ कमाना है और इस समय में आपके बाजार में वस्तुओं की कीमत क्या हुई है बढ़ी हुई है आप इस पेन के लिए दूसरे देशों में एक डॉलर दे रहे थे और भारत में साठ के बदले क्या दे रहे हैं आप पैंसठ डॉलर तो अगर हम विदेश से बना करके इस पेन को अगर लाएं तो पांच रुपया आप क्या कर रहे होते अधिक भुगतान कर रहे होते हैं ना उस कंपनी को इसलिए क्या लिख रहे हैं कि विदेशी निवेश क्या हो जाता है आपका बढ़ जाता है लिखिएगा विदेशी निवेश अधिक होना अब देखिए एक प्रभाव सरकार के तरफ से हमने आपको बताया कि जब महंगाई बढ़ रही होती है तो वहां पर मौद्रिक नीतियां जब नियंत्रण में नहीं होती हैं तब यहां पर राजकोषीय नीतियां क्या होती हैं प्रभावी होती हैं जब राजकोषीय नीतियां जब प्रभावी होंगी तो इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार का राजस्व खर्च या राजस्व व्यय क्या हो जाता आपका है बढ़ जाता है लिखे आप इसे सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा या या गैर उत्पादक क्रियाओं में सामाजिक सुरक्षा या गैर उत्पादक क्रियाओं में ज्यादा खर्च बढ़ना ज्यादा खर्च बढ़ना बैंक दर पे क्या प्रभाव देखने को मिलेगा सुनिए क्या हुआ कार की कीमत पहले की तुलना में क्या हो गई है आपके पास बढ़ गई है अब कार की कीमत बढ़ने के कारण पूरा जो वो उद्योग है आपके पास कार से संबंधित वो उद्योग किस और जा रहा है आपके पास मंदी की ओर जा रहा है तो मंदी की ओर जाने से अब आरबीआई तो वहां कुछ कर नहीं सकती है वहां पे सरकार को आना पड़ता है सरकार क्या करती है कि वहां पर जो टैक्सेस होते हैं उन टैक्सेस को सरकार क्या कर दी आपके पास कम कर देगी तो टैक्सेस को कम करने से इस कार की कीमत पहले की तुलना में अब क्या हो चुकी है आपके पास कम हो गई है तो अब यह कार का उद्योग मंदी की स्थिति से क्या हो जाएगा आपके पास उभरना शुरू हो जाएगा जैसे कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने यह स्थिति देखी थी पेट्रोल की कीमतों पर सरकार ने क्या किया था टैक्सेस को कम कर दिया था जिसके कारण पेट्रोल की प्राइसेस क्या हो गए पहले की तुलना में कम हो गया था ना पढ़े थे पेपर में ठीक है ये हुआ था कि उन पर जो लिया जा रहा था जो टैक्स था उस टैक्स को क्या कर दिया गया कम कर दिया गया जिसके प्रभाव से पेट्रोल की कीमतें क्या हो गई कि अंठानवे निन्यानवे रुपए तक आ चुकी थी जो पेट्रोल 112 और 13 रुपए पहुंचा हुआ था ठीक है तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा बैंकों के ब्याज में कमी बैंकों के ब्याज में कमी अभी क्या हो रहा था आपका पुल और पुष्प इसका मतलब समझते हैं बहुत सारे कांच के दरवाजे आप देखते होंगे मॉल वगैरह में लगा रहता है तो लिखा रहता है पुश एंड पुल तो पुश का मतलब क्या होता है अन, आ, अंदर ढकेले पुश का मतलब होता है अंदर ढकेले पुल का मतलब होता है खींचना पुल द ड्रॉर ड्रॉर को क्या किया जाता है खींचना है पुश बटन है ना तो मतलब उसको क्या कहते हैं द बटन मतलब बटन को क्या होता है दबाना यानी कि अंदर ढकेलना तो अभी तक हम क्या कर रहे थे उसको पुल कर रहे थे तो अब हम उसको क्या करेंगे अंदर की ओर ढकेलेगे किसके आधार पर कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन लिखिएगा इसको क्या कहा जाएगा आपका लागत जनित मुद्रा स्फित है इसी को कहते टारगेटेड लिखिएगा यदि यदि वस्तुओं के उत्पादन के संसाधनों की लागत यदि वस्तुओं के उत्पादन के साधनों की लागत जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके पास क्या है आपका जो है लैंड है लेबर है या फिर आपका क्या है आपका प्रॉफिट है या फिर आपके पास क्या है इंटरेस्ट ये सारी चीजें पहले की तुलना में क्या हो जाए आपके पास महंगी हो जाए उत्पादन के जितने भी साधन है सभी साधन पहले की तुलना में क्या हो जाए आपके पास महंगे हो जाए तो वैसी स्थिति में आपके पास क्या देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन लिखेगा यदि वस्तुओं के उत्पादन के साधनों की लागत बढ़ने के कारण साधनों की लागत बढ़ने के कारण वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति को तो ऐसी स्थिति को लागत जनित स्ति कहते हैं तो ऐसी स्थिति को लागत जनित स्फिति कहते हैं तो लागत बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं कॉस्ट बढ़ने का कि हम जो कच्चा माल खरीद के ला रहे हैं वो कच्चा माल ही अब क्या मिल रहा है आपको महंगा मिल रहा है जैसे किसी भी चीज का आप देखें कि आईटी इंडस्ट्री में आपके पास बहुत कॉमन यूज किया जाने वाला एक डिवाइस है आपके पास ग्राफिक कार्ड ठीक है और ग्राफिक कार्ड पूरी तरह से उपयोग किया जाता है सिलिकन के ऊपर और सिलिकन के मामले में मुख्य तौर पर आपका जो निर्यातक देश है वो क्या आपका चाइना है तो सिलिकन की कीमतों के बढ़ने के कारण आपका क्या हो गया कि ग्राफिक्स कार्ड की कीमत बढ़ गई और ग्राफिक्स कार्ड की कीमत बढ़ने के कारण आप देखिएगा कि लैपटॉप और कंप्यूटर इन सब की कीमतें क्या हो गई आपके पास बढ़ गई है तो क्या है कि एक कारण हो सकता है कि जो कच्चा माल है कच्चा माल की कीमत में वृद्धि हो जाए कि जो चीज हम बनाने के लिए सामान ला रहे हैं अभी जाइएगा समोसा खाने बोलेगा दस रुपया समोसा तो कह रहे आटा आटा तेल में सस्ता है क्या तेल सीधे पहले गिनाएगा कि तेल के इतना हो गया दूस रुपया लीटर हो गया इसका मतलब है कि उस साधन को बनाने के लिए जो कच्चा माल वो खरीद के ला रहा है उसकी कीमत बढ़ गई है इसलिए आपके उपभोग की वस्तु क्या मिल रही है महंगी मिल रही है ठीक है आप जैसे खरीद समोसा खा रहे हैं वो आपके उपभोग की वस्तु है तो उसके उपभोग की वस्तु का महंगा होने के पीछे कारण क्या है कि आज कड़ाही चम्मच और गैस का दाम नहीं बल्कि क्या है कि बनाने में प्रयोग किया जाने वाला तेल का कीमत क्या हो गया वहां पर बढ़ चुका है इसी तरह से बड़े बड़े उद्योगों में इस्पात की कीमत आपकी बढ़ गई है इस्पात की कीमत बढ़ने के कारण उस पर आधारित जितने भी भारी उद्योग हैं सभी की कीमतें क्या हो गई बढ़ गई हैं वर्तमान में खाने पीने और पहनने और दैनिक उपभोग की जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं इनकी कीमत के बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है आपके पास ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का क्या होता है आपका बढ़ना याता यात है यातायात लागतें क्या हुई हैं बढ़ी हैं और यातायात लागतों के बढ़ने के पीछे कारण क्या है कि ये जो पेट्रोल का प्राइस है ये पेट्रोल की प्राइस क्या हो चुकी है आपके पास बढ़ चुकी है पेट्रोल के प्राइस के पीछे बढ़ने का कारण क्या है इसकी बाजार में सप्लाई क्या आपके हाँ पास कम है समझ गए तो आप देख रहे हैं कि आप दैनिक उपभोग में जितनी भी वस्तुएं प्रयोग कर रहे हैं वो चीजें महंगी हैं और उनके पीछे महंगा होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि उनकी यातायात लागतें क्या हो गई हैं बढ़ गई हैं ट्रांसपोर्ट के वो बढ़ने के पीछे कारण क्या है कि पेट्रोल की कीमतें और पेट्रोल की कीमतों के पीछे कारण क्या है कि उनकी आपूर्ति पहले की तुलना में क्या आपके हाँ पास कम है चलिए दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा उत्पादन के साधनों की कीमत में वृद्धि उत्पादन के साधनों की कीमत में वृद्धि जैसे उत्पादन के साधनों के कीमत में वृद्धि जैसे मान लीजिए आप घर में कोई भी काम करवाते थे और किसी मजदूर को काम करने के लिए लाते थे तो पहले वो मजदूरी लेता था तीन सौ लेकिन अब वो मजदूर चार सौ रुपए से कम में काम करने के लिए कोई भी मजदूर आपके यहां तैयार नहीं है यानी कि पहले की तुलना में मजदूरी क्या हो गई आपके पास बढ़ गई है मजदूर बाजार में मिलना कम थोड़ी ना हो गया है आज भी उतना ही मजदूर है मजदूर इतना रहता है कि उनको काम ही नहीं मिल पाता है ठीक है लेकिन उनकी मजदूरी क्या हो चुकी है बढ़ चुकी है पहले वाले में हम देख रहे थे इसमें इसमें डिमांड फुल इंफ्लेशन में कह रहे थे कि डिमांड अधिक था और सप्लाई क्या थी आपके पास कम थी लेकिन अभी इस, इस स्थिति में आप क्या देख रहे हैं कि चौक चौराहों पर खड़े मजदूर में कोई कमी नहीं ऐसा है मजदूर इतनी संख्या में कि तो उनको काम ही नहीं मिल पा रहा है लेकिन उन मजदूरों ने क्या किया है कि अपनी मजदूरी को क्या कर दिया है दोनों में डिफरेंस कर पा रहे हैं यहाँ पे क्या था कि बाजार में पूर्ति ही नहीं थी मांग अधिक थी तो कीमतें क्या हो रही थी आपके पास बढ़ रही थी यहाँ पे सप्लाई अधिक है लेकिन डिमांड भी है लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इन मजदूरों ने अपनी मजदूरी को क्या कर दिया है बढ़ा दिया है जिसके कारण उनकी कीमतें क्या हो जा रही आपकी बढ़ जा रही है आज के समय में घर बनवाने जाइए तो एक तरफ मेटेरियल कॉस्ट और एक तरफ क्या होता है आपका लेबर कॉस्ट दोनों बराबर ही हो जाता है पहले क्या था लोग घर बनवा लिए तो मतलब कि लेबर कॉस्ट कम था ठेकेदार को बीस पच्चीस हजार रुपए के ठेके में भी काम हो जाता था और वर्तमान समय देखिए तो आपके पास मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट दोनों क्या हो जाते हैं आज के समय में बराबर बराबर ही खर्च हो रहे हैं लिखिएगा जैसे में लिखिएगा मजदूरी की दर ब्याज की दर लाभ इत्यादि की दर का बढ़ जाना लाभ किराया इत्यादि का बढ़ जाना रेंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा सबका हाँ जिस हॉस्टल में लॉज में आप रह रहे होंगे या जिस मकान के किराए में आप रह रहे होंगे मकान मालिक आज भी उतना ही किराया ले रहा है महंगाई बढ़ते के साथ वो भी क्या बोला कि अब रेंट क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा थोड़ी ना उसका रूम आपको बढ़ा बिजली बिल भी पहले से क्या हो गया आपका महंगा हो गया हा? वही बिजली बिल बिजली महंगा हो गया इसलिए क्या करना है रेंट भी बढ़ा देना आप तो पानी के लिए भी बोलेगा समझ के चलिए अब तीसरा नंबर लिखेगा मिश्रित मुद्रा स्थिति मिश्रित मुद्रा मिक्स्ड इन्फ्लेशन तो ये क्या होता है ये परिणाम है आपका इन दोनों का श्रम होता है दोनों ही परिस्थितियां आपको देखने को मिलेंगी मांग जनित मुद्रा स्फीति है और साथ ही साथ आपके पास क्या देखने को मिलेगा लागत जनित मुद्रा स्फीति ये दोनों ही स्थितियां क्या होंगी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी बॉटल नेक मतलब क्या होता है अगर जैसे ये गिलास है इस गिलास में भरी हुई पानी को डालें तो गिलास पूरी तरह से आपका पानी क्या हो जाता है ढल जाता है लेकिन अगर किसी बॉटल की जो ये गर्दन है क्या उस सही मात्रा में पानी आपके पास आता है क्या वो क्या होता है कि पूरा अगर गिलास को जैसे आप एक पकड़े और उझल दिए पूरा का पूरा पानी क्या हो गया बाहर आ गया लेकिन बोतल को क्या पूरा उलट देंगे तो क्या आ जाएगा वो प्रेशर दे रहा है लेकिन पानी निकल नहीं पाता है उसको क्या चाहिए निकलेगा तो लेकिन उसको क्या चाहिए आपका समय चाहिए है ना और नहीं तो जिन लोगों ने साइंस पढ़ा वो क्या करते हैं बोतल को ऐसे पकड़ेंगे पहले ऐसे ऐसे हिला देंगे और उसके बाद ढक्कन खोलेंगे तो पानी बहुत तेजी से क्या हो जाएगा आपका निकल जाएगा तो अर्थव्यवस्था तो में भी वही करना पड़ता है जब बोतल ने कंडीशन हो गया तो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को क्या करना पड़ता है हिलाना पड़ता है तब पानी निकलेगा आप देख लीजिएगा किसी बोतल का पानी को ऐसे ढालेंगे पानी नहीं निकलेगा लेकिन बोतल पकड़ के ऐसे से हिला दीजिए उसके बाद उसके ढक्कन को हटाई देखिए पानी बहुत जल्दी से आपका निकल जाएगा ठीक है लिखिएगा यह अवधारणा केन्स के द्वारा दी गई है यह अवधारणा केन्स के द्वारा दी गई है इसे अच्छा ठीक है इसके बाद आपको लिखेगा संरचनात्मक मुद्रास्फीति संरचनात्मक हाँ बॉटल में आपके पास क्या होता है कि अर्थव्यवस्था बाहर तो निकलना चाह रही है लेकिन वो क्या होता है कि आरबीआई भी फॉलो कर रहा है राजकोषीय नीति भी लगाई गई है लेकिन अर्थव्यवस्था अभी क्या है इस मंदी की स्थिति से तुरंत उभर नहीं पा रहा है पानी तो पूरा वेग लगा हुआ है लेकिन कुछ समय के बाद से जाकर के क्या होगा आपका नियंत्रित होगा अब लिखेंगे हम लोग संरचनात्मक मुद्रास्फीति सर इसको थोड़ा डिटेल में लिखा भी देना किसका लिखिएगा जब अल्प काल में बॉटल ने को ही लिख लीजिए डिटेल में जब अल्पकाल में उत्पादन के साधनों की आपूर्ति कम होती है जब अल्पकाल में उत्पादन के साधनों की आपूर्ति कम होती है जिसके कारण जिसके कारण संसाधन की कीमतों में वृद्धि होती है जिसके कारण संसाधनों की कीमतों में वृद्धि होती है तो यह स्थिति तो यह स्थिति गत्यावरोध या बॉटल नेक इन्फ्लेशन कहलाती है गत्यावरोध या बॉटल नेक कंडीशन कहलाती है या स्थिति कहलाती है जैसे अगर आप भारत में एक पैटर्न आप देखें कि आप परमानेंट जॉब में हैं मजदूर कंपनियों में काम कर रहे हैं लेकिन जैसे ही बरसात का जब समय होता है या मानसून का जब समय होता है तो उनको चाहिए होती है क्या छुट्टी किस लिए रोपा रोपने जाने के लिए है ना खेती का समय देखिएगा कि बढ़िया से बढ़िया जो कंपनियां होती हैं जब खेती का समय आता है तो वहां से लोग जो खेती का कार्य भी कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि महीने दिन की छुट्टी लेकर के क्या होते हैं चले जाते हैं अब उन फैक्ट्रियों में उत्पादन में क्या होता है कि लोकल मजदूरों को लेकर के उत्पादन करना पड़ रहा है वैसी स्थितियों में जो बाहर से मजदूर को आप ले रहे हैं अपने परमानेंट स्टाफ की अपेक्षा उनको क्या करना पड़ता है अधिक भुगतान करना पड़ता है तो ऐसी स्थितियों में सीधा सा बात है कि साधन की कीमतें बढ़ी हैं तो वस्तु की कीमतें भी क्या हो जाएंगी आपके पास बढ़ जाती हैं ये स्थितियां देखने को मिली थी आपके पास कोविड के बाद से क्या था कि सभी कंपनियों में काम करने वाले जितने भी अनुभवी मजदूर थे सभी अनुभवी मजदूर कहां चले गए हैं अपने घर चले गए हैं अब कंपनियों को जब उत्पादन प्रारंभ करना है तो उनको लोकल बाजार से क्या करना पड़ रहा है कि लेबर को हायर करना पड़ा है या नए सिरे से लेबर को हायर करना पड़ रहा है और जब उनके पास अनुभव नहीं है और उन मशीनों पर काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनमें बहुत ज्यादा क्या हो रहा है त्रुटियां आ रही हैं जिसके कारण 100 पीस माल बना तो उसमें से 55 पीस ही क्या निकल रहा है अच्छा कहा जाएगी उसी वस्तु तो कोविड के बाद से स्थिति हुआ था तभी देखिएगा कि एसी वाला कार भेजा जा रहा था बस भेजा जा रहा था मजदूरों को वापस बुलाने के लिए ठीक है फ्लाइट का टिकट से बुलाया है कंपनी लोग समझ गए जो आज तक ले कभी देखा भी नहीं होगा कि एरोप्लेन कैसा होता है उसको फ्लाइट में बैठा के फैक्ट्री वाला लोग लाया है किस लिए इसी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्योंकि उस मशीन को चलाने वाला ऑपरेटर मिल ही नहीं रहा है बाजार में समझ गए तो कल हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में और